गाइस पूरा परिवार साथ में मिलकर कितने सालों बाद में खाना खा रहा है आज। पता है कितनी कमेंट आती थी तेरे लिए कि भाई आपकी छोटी बहन को दिखाओ हाँ। दिखाओ। पापा ते पूछ रहे थे मैं BMW किसी तक की या तुम्हारी BMW। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? होप करते हैं सब ठीक होंगे। गाइज हम भी ठीक है। और हम चले गए थे लालसोट कल जयपुर, जयपुर से आज हमारे घर पे आ गए हम चोमू। और हमारे साथ आए पापा जी और मेरी छोटी वाली ननद, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। आपने पापा को भी देख लिया, मम्मी को देख लिए, दादा दादी सबको देख लिए। बस एक ही शख्स बचा था हमारी फैमिली का, वो था मेरी छोटी वाली ननद। तो गाइज आज हम उनको भी दिखाएंगे आपको। और गाइज अभी बज चुके हैं सुबह के 10, तो मैंने नाश्ता बनाया है। नाश्ते में पोया बनाया है, सुबह चाय बना दी थी, ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठे थे, 7:30 बजे के समथिंग हम उठे थे। और गाइज इसमें पोवा गर्म हो रहा है कि भाई अभी तक तो खा नहीं रहे सब, तो मैंने बना तो दिए थे लेकिन यहाँ पे गर्म पानी चढ़ा के और इसमें थोड़ी थोड़ी आँच लगती रहेगी तो ये गर्म ही रहेंगे पोए। इधर प्याज काट के रख दिया, इधर थोड़े से रतला में सेव वगैरह ये मंगवा लिए थे, मिर्चर नमकीन वगैरह ये। और पापा जी और मस्त राम जी एमी के साथ खेल रहे, मनमोहन ने जो स्कूल गया। गाइज अब चलते हैं पापा जी और एमी की तरफ, मस्त राम जी की तरफ। तो मेरे को घूंघट निकालना पड़ता है भाई, गांव वाले पड़ता है ना तो निभानी पड़ती है, तो मैं शुरू से घूंघट ही निकालती हूँ पापा जी। तो गाइज एमी और पापा खेल रहे लेकिन एमी किसी में रोती नहीं है, बहुत रोती है क्योंकि जानती नहीं ना इनके पापा के पास रो जाती है, खुशबू पहचानती है। तो गाइज हमारे घर पे बन गया भाई सब पोहा, पापा में दोनों साथ में खा रहे हैं, अंकिता और सरोज अलग खा रही है, पर ये मैं इधर सो गई। तो गाइज मैं बना रही हूँ अभी खाना, मैंने बनाई भिंडी की सब्जी, पराठे, सूजी का हलवा। तो गाइज अभी खाना वाना खा लेते हैं, मैं तो नहाई नहीं अभी तक भी, पापा भी नहा लिए और मस्तराम भी नहाने गए अभी, और मनमोहन स्कूल चला गया, मेरे दादाजी के साथ खेल रही है। तो पहले पापा को खाना खिला देते हैं। सरोज भाई आप ले जाओ पापा के लिए खाना। राम राम जी दोस्तों, अभी देखो मेरे पिताजी है ये, और ये वाली मेरी छोटी बहन जो काफी टाइम से आप लोग मैसेज कर रहे थे भाई आपके पापा से मिलिए, दादा से नहीं मिला शायद आपको, और मम्मी से मिल लिया, बड़ी बहन वाली बहन से भी मिल लिया, लेकिन ये मेरी छोटी वाली बहन है सरोज, ये मेरे पापा जी। सरोज से तो आज 5 साल बाद में आई है हमारे पास में, मैं घर पे जाने के बाद में पहली बार एमी से मिल लिया है। सरोज तो बेचारी घर पे रहती है, काम वाम करने में बिजी रहती है, फिर क्या है कि अगर सरोज आ जाए तो फिर मम्मी अकेले पड़ जाती है और पापा आ जाए तो फिर ये दोनों अकेले पड़ जाते हैं, इसलिए आना ही नहीं होता। फिर हम लोग कुआं पे रहते हैं, खेत पे हमारा घर है। तो अब पापा जी भी आए एमी से, पोती से मिलवा आया जो है, जब पोती तो सोगी, और अब मैं पापा जी ने खाटू श्याम जी को घुमा ले रहा हूँ, लेकिन खाटू श्याम जी को मैं खा जाऊँगा सुबह जल्दी। और आज शाम को तो अभी मैं जा रहा हूँ जेतपुरा साइड में पापा को घुमाने, कागाजी और आडी शूटिंग वूटिंग दिखा लाऊँ चु और मिला भी लाऊँ चुसु। जाना चाहिए पापा कागाजी जाना वीडियो वगैरह देखता हुआ और सरोज बता बढ़िया। तो भाई आज हमारे छोटी बना और सरोज से तो मिलती रहे, चल 16 साल की जी बड़ा, अब काम वाम कर सारा दिन खेत में बैठे क्यों बाबा ना कर जाना काम जो डाल देने वजह से खेती को काम जाओ खेती को काम जो भाई माँ का तो सरोज पढ़ाई वढ़ाई तो छोड़ दी ना अभी 10वीं पास कर हाँ 10वीं तक, और अब मम्मी पापा और सिस्टर तीन ही घर का काम करे, जो दादा दादी जो बड़े आदमी के जो काम करना पाओ और जमीन जो घनी सारी गाँव में, तो फिर सारा दिन सारा ही कौन है भाई, सारा दिन काम ही काम रहता है। तो फिर अगर सरोज काम नहीं करती पढ़ाई करती तो फिर पापा मम्मी अकेले हो जाते, और मैं तो गांव में रहता ही नहीं, मैं तो बाहर रहता हूँ, काम धंधा करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। तो ये बात थी, तो ये मेरा फैमिली का परिचय हो गया भाई। और अब पापा आज रुकने वाले हैं हमारे पास, तो फिर शाम तक करते रहेंगे आपसे बातचीत। कल भी पापा साथ में ही है और परसों आ गए थे पापा, पर परसों मैं गया था लालसोट किसी काम से, तो पापा मेरे सिस्टर के पास गए थे बड़ी वाली के पास, और फिर रात हम लोग यहाँ घर पे आ गए। तो चला पापा और काका जी उसमें मिले पापा चला, तो हम जा रहे गाइस, तो आप बने रहो। और आज का हमारा कैमरा मैन है भाई अंकिता, इधर वीडियो बना रही है बैठी बैठी। और मैं और पापा जा रहे थे गुम्बा हमारे BMW के ऊपर, BMW देख लिए थे भाई आ जाओ बार दिखाओ था BMW। पापा ते पूछ रहे थे मैं BMW किसी तक की या तुम्हारी BMW या BMW भाई सब खतरनाक, 4 साल से की 5 अच्छा सर्विस करवाए लो, मैं 5,000 से ज्यादा खर्चा ना कराया होगी मेरे 4 साल में। और था कि गाड़ी से भी मस्त चलेगी, ये तो एक दिन गाय खड़ी खड़ी कुड़ा ठोक गयो तोड़ो इन्हें करो कर गयो और यो तोड़ गयो डस खड़ी खड़ी के यू ठोक दी हुई खूना पर। तो गाय चलते हैं, पापा ने BMW घुमा दे रहा हूँ भाई, मार पापा सोच रहे जो BMW कसी जाए।
इको मैं नाम रख रखे था जी पुरानी गाड़ी छो कि लगे ना भाई गाड़ी गाड़ी खावा जो इको नाम जो BMW जो सही लगा सबने। तो गाइज हम लोग फिर घूम के आ गए, काका जी तो तक मिले नहीं थे बट पापा को चाय पानी पिला लिया आया और मार्केट गए थे। तो उधर होटल वाला भैया जानकार था तो उनके घर पे क्या घर पे बैठे बैठे टाइम पास नहीं होता ना, तो चारों तरफ घुमा घुमा के लिया पापा को, अब जा रहे भाई घर पे वापस। तो गाइज अभी बज चुके शाम के 4 और हम सब लोग बैठे हैं, खाना वाना हमने खा लिया था दोपहर को और उसके बाद पापा जी और मस्तराम जी काका जी के पास चले गए थे उधर जेतपुरा साइड में, तो शायद काका जी तो मिले नहीं तो फिर ये लोग नीचे बैठे थे विमल की दुकान पे और मनमोहन गया कोचिंग और गाइस सरोज भाई बैठी है इधर ना धो के रेडी हो गई है अभी भाई पटियाला सूट पहन के, कतई पंजाबन लग रही है मैं भी सिलाऊंगी एक सूट ऐसा। और मस्तराम जी कर रहे प्रेस पापा के कपड़े को, ये मेरे को बोल भी रही थी पता है क्या कि भाई भाभी मैं सिलवा के ले आऊंगी अपने गांव में से थी एक दो लड़के, फिर मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं रहने दे बताओ क्यों, क्योंकि मेरे एक शर्ट आई थी उस पे कितने कमेंट आए थे कि भाई ये सिलाई कहाँ पे आपने, कौन सी शर्ट, गए साल मैं वहां पे पहनती थी ना बिलवाड़ा सरोज ने सिला के भेजी थी, वो इतनी बेकार शर्ट थी ना भाई वो बैठती नहीं थी, शर्ट पहनी थी गुजराती ड्रेस पे वो किसकी थी, वो तो मनमोहन की थी शर्ट, गैस में शर्ट नहीं है सल्ट नहीं है भाई वो तो मनमोहन की पहन रखी है। तो गाइस जिस किसी को भी लाना है मेरे लिए सल्ट ला सकते हो, सल्ट की कमी मेरे पर लाएंगे भी कैसे यार उनको ना आप ही पता नहीं है मेरा, मतलब आप सिलाई करके अच्छी ला सकते हो पर फिटिंग का पता नहीं है ना भाई कितने नंबर बैठती है नहीं बैठती है, टेलर अच्छी बिठाता है, गाँव में जो लेडीज सिलती है ना कोई कोई जो परफेक्ट होती है वो तो बेस्ट सिलती है पर सबसे नहीं बैठ पाता, हाँ सबसे अच्छा नहीं बैठ पाता है। तो मैंने इनको बोला भी था कि भाई गाजर वाजर लेके जाना, गाजर का लो बना लेंगे, वो तो मंगवा देंगे शाम को, भी क्या दिक्कत है, मनमोहन तो लेट आएगा लेकिन मैं ले आऊंगा, तो नीचे बैठे थे इसलिए नहीं लेके आए, फ्रेश से चमके लगा जाते हैं कपड़े में, मैं मेरे कपड़ों की प्रेस नहीं करता पर मैं पापा के कर देता हूँ यार, हाँ मैं खुद के नहीं करती पर आपके के कर देती हूँ, सबके कर देती हूँ बस खुद के नहीं करती। अरे कहना क्या चाहते हो, मन लग गया तेरा अच्छे से, कविता का नहीं लगता है बस मन, मेरे पास मन लग जाओ तो पता है कितनी कमेंट आती थी तेरे लिए कि भाई आपकी छोटी बहन को दिखाओ दिखाओ दिखाओ, फिर मन छोटी बहन दे बिल्कुल सब कविता को जानते हैं, आपको तो कोई जानता ही नहीं, कविता तो फेमस है, कविता फेमस है भाई हाँ ये मामले में और पता है क्या बोल रही थी कि भाई कांच भी बंद कर दिए थे ना तो फिर मेरे को सब लोग पूछते थे कविता को कांच बंद किया था तो आपने मेरे को कांच बंद कर दिया तो फिर मेरे को सब ससुराल वाले औरतें सब पूछते थे तो पता है फिर मैं क्या बोलती थी भाई क्या है ना वो तो मैंने एक्टिंग की थी नींद को नर्च गया था ना और मनमोहन भी आ गया कोचिंग से, अभी हम इनको मैं उठा दिया गाइज क्योंकि ये ना रात में तो सोती नहीं है फिर शाम को सोती रहती है। गाइज नाइट हो चुकी है भाई, साग भाजी सब कुछ बन गया कंप्लीट, पापा बाथरूम में गए हाथ वाथ धोने, एमी इधर खेल रही है मस्त, इसको डिस्टर्ब करना गुना हो सकता है क्योंकि चिल्लाने लग जाती है। आज सब्जी बनी है आलू और पत्ता गोभी की और सुबह बनाए थे भिंडी और मस्त रोटी बना दी। अंकिता इधर कुछ नया कर रही है, नया का मतलब गाजर का हलवा, गाजर का हलवा बना रहे भाई और सुबह तो हम मीठा बनाए थे सूजी का हलवा। पापा और सरोज अंकिता हम लोग खाना खा रहे हैं और सरोज और पापा आए जाने की खुशी में गीत गा रही जेडी पता चल गया मैं पापा गेड़ी कैसे कैसे खेत बहुत नाटक करती है। गाइस पूरा परिवार साथ में मिलकर कितने सालों बाद में खाना खा रहा है, आज बरस गुजर गया अंडे पापा 17 साल हो गया और ये मी भी 5 साल हो गया साथ में बैठ खाना खाया। गाइस मम्मी और दादा दादी को ना और कविता को ना, कविता तो उस परिवार को सदस्य को ना क्योंकि वो अलग परिवार का सदस्य बन गई वो कौन, लेकिन सरोज मनमोहन में सारा घर का बस 3 फैमिली नहीं है मतलब दादा दादी और मम्मी। कुछ दो शब्द बोलो चारी जी, दादा दादी ना आई बोल दे एम देख रही बोल रही खाई को ना मोबाइल साइड में कर देते पापा गाड़ी, ये गाड़ी मोबाइल करता है कत्ते छुन मुन हो जाए ना बोलो कत्ते, अब जैसे मोबाइल साइड में जानते फिर हिल वो चालू जाओ। तो गाइस गाजर का हलवा चालू कर दिया मैं बनाना स्टार्ट हो गया, रात के बज गए 11, अंकिता और सरोज और मैं मिलके बना रहे भाई और आज मुझे बहुत खुशी पता है किस चीज के लिए, देखो मैं बयान नहीं कर सकता, मैं पापा है ना अभी तो मैं सारी चीज बयान नहीं कर सकता क्योंकि फैमिली के सामने क्या बयान करूं, तो जाने बाद बताऊंगा कितना सुकून मिलता है माँ बाप के साथ। बट एक चीज बताऊं ना, जब मैं छोटा सा था ना तब देखता था मेरे पापा भजनों के बहुत शौक थे भाई, सदानंद जी महाराज के ना बहुत बड़े फैन थे और भगत, तो भाई ना मैं छोटा था ना तब मैं देखता था मेरे पापा
पेटीडोल की का बहुत सोचता वो करूँगा कभी भगवान करेगा तो पेटी दिलाएंगे। अभी इनको भजन वजन आदमी होते तभी मैंने बोला कि सदानंद जी भजन सुना उनके क्या सुना यार तो सुनील में तवा में मिला के आता हूँ आपसे ना। देखो गाइस ए मेरे को भी सगा गई लखन पापा ते खुणका भगत चते ये गुरु जमा का ये अच्छा मतलब था कि गांव में पहले कंपटीशन चो ना श्यान भाई वो भजनानंद जी को भगत च मैं सदानंद जी को चूर अच्छा तब तो भूल गया भजन वजन अभी आए बड़ी हो जाओ तोड़ सी पहले यार डोल किया बजा लेगी पेटी ते बजा लीजिए और बैठ जाओ अपना बगीचा में और ये मैंने भी ऐसी हरी देख लियो। हाँ तो सिखाओ चलो ये मैंने सिखाओ लखन एमी पिताजा एक साथ हम भजन संध्या कर जो बेटा आए एमी और सांस के पापा वो पंडित जी बताओ क्या बोल रहे था भाई एमी का भगवान की प्रति आस्था बहुत रही। अब दादा एक साथ हम बेटा तू भगत बन जा और मस्त डोल की बजा जो पेटी वेटी बजा जो मंजीरा बजावा लगा दीजिए एमी तो गोगरा बांध दी जाता हूँ देखा सुनी कह रहे बेटा भजन गावली मीरा बना गया था मीरा बना ली बेटा। तो गाइस दादा का ओरिजिनल ओरिजिनल गुरु ज्ञान चल रहा है अंकिता का ओरिजिनल दादा का गुरु ज्ञान चल रहा है पहले यहाँ सुन रहे थे अब अंदर गए रूम में। अनिल नागौरी के चल रहे भजन भाई मैंने भी खूब सुने अनिल नागौरी जी के सॉन्ग बहुत अच्छे सॉन्ग आते मैं तो तब से सुनती थी जब बहुत छोटे थे आज के 5 साल पहले मैंने इनके भजन सुने थे तब से बिल्कुल छोटे थे अभी तो बहुत बड़े हो गए। अभी कलर आपको दिख नहीं रहा है उसका कारण ये है कि अभी शक्कर नहीं डाली अभी किशमिश नहीं डाले इलायची नहीं डाली अपने पास पहले केसर तैयार केसर हो तो डाल ले केसर से भी कलर आ जाएगा अभी नहीं खत्म हो गए। तो देखो गाइस पूरे घर वाले मिलके भाई कहे आते हैं मैंने पूरा सिखावला दिया तो मैं सोच रही थी यार खड़ा पसा दिया मैंने आज तो गाइस खजूर आ गए भाई बन के तो खजूर खा रहे हैं पापा के भजन तभी भी चल रहे हैं भाई मनमोहन सो के उठ गया सरोज इधर बैठी है अंकिता खड़ी है तू भी खा ले आजा तो पहले वाला सिस्टम कौन भाई मैं खाऊं और तू बाद में खाओ ले आजा तू साथ सब साथ में खाओला आजा राधे 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 राधे।